तो दोस्तों ये देखिए कितनी टेस्टी और यम्मी आलू मटर की सब्जी बनकर तैयार है, और इतनी यम्मी और लाजवाब बनी है आज। आप इसे पूरी के साथ, रोटी और चावल के साथ एंजॉय कीजिए और मेरी रेसिपी को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल जैन सुधा व्लॉग्स में आपका स्वागत है। आई होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं बहुत दिनों बाद आपके लिए हरी मटर और आलू की रेसिपी लेके आई हूँ। नहीं तो मैं शादी वगैरह के ही ब्लॉग डाल रही थी, तो आज मैं सोचा कि आपके लिए एक रेसिपी बनाती हूँ जो कि सर्दियों में भरपूर मात्रा में हरे मटर मिल जाते हैं, ताज़े ताज़े। आप कोई से भी मटर ले सकते हैं, फ्रोजन मटर भी ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं बनाऊँगी आज आलू मटर की सब्ज़ी। तो मैंने यहाँ पे आधा किलो करीब आलू मटर, मतलब मटर ले लिया है, हरी मिर्च, टमाटर, प्याज और आलू को मैंने इस तरीके से छील लिया है और धो लिया है साफ़ करके। तो अब बनाएंगे हम हरे मटर की आलू की सब्ज़ी। तो एक इस तरीके से आप चॉपर भी ले सकते हैं और बारीक बारीक चाकू से भी काट सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसे थोड़ा सा बारीक कर लूँगी चॉपर में, मटर उसको, प्याज को मैंने इस तरीके से बारीक चॉप कर लिया है, और टमाटर को भी मैं इसी तरीके चॉप कर लूँगी। और अब रख लिया मैंने एक भगोना। सबसे पहले हम गैस को जलाएंगे और इसमें तेल डाल लेंगे। तेल को गर्म होने देंगे। तेल हमारा गर्म हो गया, तो सबसे पहले हम जो हमने हरी मटर छीली थी उसको थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे, जिससे गलने में आसानी रहती है मटर को। इससे मटर सॉफ्ट हो जाएंगे और खाने में भी टेस्टी लगेंगे, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो आप इस तरीके से तेल में थोड़ा सा तल लीजिए, नहीं तलना चाहते तो वैसे भी बना सकते हो, तो मैं इसे तल के ही बनाती हूँ। थोड़ा सा और सॉफ्ट करने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है, इससे और जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे मटर। और ये देखिए कितनी टेस्टी हो गए हैं और थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो गए। तो मैंने निकाल लिया है, उसके बाद मैंने थोड़ा सा भगोने में और ऑयल डाल लिया है। तो अब इसमें डाल दूँगी मैं कुछ मसाले, खड़े, लौंग, इलायची, दालचीनी का टुकड़ा, जीरा, और उसके बाद मैं इसमें हिला लूँगी इसको। और अब डाल दूँगी इसमें चौक प्याज। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से हो गया हमारा। तो इसमें डाल दूँगी चौक प्याज जो कि मैंने चौपर में चौक कर लिया था, और इसको 2 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे। चमचे को हिलाते रहेंगे जिससे कि भुनना प्याज और थोड़ा सा उठा जाने के लिए प्याज को। अब इसमें डाल दूँगी सारे मसाले। हमारी प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है और हल्की सी भून भी गई है, तो मैं इसमें मसाले डाल दूँगी जिससे कलर अच्छा आता है अगर हम इस तरह प्याज में डालते हैं मसाले। खरसूरी मेथी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, जो भी आप डालते हो सब्ज़ी में, तो कलर बहुत अच्छा आता है। मैंने गैस को कम कर रखा है और इस तरीके से 2 से 3 सेकंड के लिए हम सारे मसाले भून लेंगे। उसके बाद मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूँगी। अभी देखिए अच्छी तरीके से ब्राउन हो गई है, तो मैंने इसमें डाल दिया हरी मिर्च और टमाटर का पेस्ट। इसको हम मिला लेंगे, थोड़ा सा पानी डाल दूँगी मैं भगोने में। इसको अच्छी तरीके से हिला लेंगे मसाले को और 2 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे। अब इसमें मैं डाल दूंगी आलू जो हमने काट लिया इस तरीके से। आप लंबे भी काट सकते हो, इस तरीके से भी काट सकते हो। तो इसे हम हिला लेंगे अच्छी तरीके से आलू को, और इसी तरीके से भूनेंगे इसमें 3 से 4 मिनट के लिए, जिससे कि आलू भी हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे मसाले में और मसाला भी हमारे आलू के अंदर चला जाएगा अच्छी तरीके से। ढक देंगे इसे, और ये देखिए 2 से 4 मिनट हो गए हैं भूनते भूनते। तो हम इसमें पानी डालूँगी मैं। आप सूखी सूखी भी बना सकते हो इस तरीके से मटर डाल के। तो मैं ग्रेवी वाली बनाऊंगी, तो मैंने इसमें डाल दिया गर्म पानी। तो आप जब भी कोई सब्ज़ी बनाए तो गर्म पानी ही करके डालिए, क्योंकि सर्दी है, पकने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और हमारे टाइम की भी बचत होती है और सब्ज़ी भी हमारी बहुत टेस्टी बनती है। और इसमें अब ऐड कर दूँगी मैं थोड़े से मटर जो कि हमने सॉफ्ट भून लिए थे अच्छे तरीके से तेल में, और मटर इससे खड़े खड़े नहीं जाते हैं। तो इसमें मैंने डाल दिया और थोड़ा सा पानी, क्वांटिटी के हिसाब से आप जितना पानी चाहे डाल सकते हैं। तो अब लगा लूँगी थाली, क्योंकि मेरी सब्ज़ी बनके तैयार हो गई थी। तो इस तरीके से आप सब्ज़ी को बनाइए और खाइए, सर्दी में मज़ा लीजिए आलू मटर की सब्ज़ी का, आप चावलों के साथ खाइए। और कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।